दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों आपको बैकग्राउंड थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये कमाल है एडिटिंग का। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है वो लोगों के लिए जो कि रेलवे में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको रेलवे की पेनाल्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे की पेनाल्टी, रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और रेलवे से रिलेटेड जो पनिशमेंट मिलता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं पेनाल्टी के पहले पार्ट की। दोस्तों पहले पार्ट में होता क्या कि ट्रैवलिंग विदाउट प्रॉपर पास आर टिकट। दोस्तों होता है कभी कभी हम लोग जो है वो टिकट लेते हैं लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो पाता या फिर कुछ दिक्कतों से हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है या फिर हम लोग ऐसा भी दोस्तों कि टिकट विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं, चढ़ जाते हैं, तो ऐसे में अगर टीटी पकड़ता है दोस्तों तो सबसे पहले वो क्या करता है कि आपको जहां से ट्रेन बनती है और जहां तक जाएगी उसका पूरा चार्ज देना होगा, प्लस दोस्तों 250 रुपया उसका फाइन चार्ज देना होगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। हाँ दोस्तों अगले टॉपिक में क्या होता है, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो अपने बच्चे का टिकट भी नहीं लेते हाफ प्राइस का और ऐसे ही चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर उस दौरान ऐसा कुछ होता है तो आपको पूरी फुल चार्ज देनी होगी सबसे पहला चीज, और उसके बाद 200 रुपए का फाइन देना होगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हम लोग के लिए। अब दोस्तों आते हैं अगले टॉपिक में, ट्रैवलिंग इन हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट। हाँ दोस्तों सबसे बड़ा चीज मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। दोस्तों इस दौरान होता क्या, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो लोगों को सीट नहीं मिलता और वो हैंडीक्राफ्ट कंपार्टमेंट में चले जाते हैं या फिर लेडीज कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। दोस्तों उस दौरान आपको क्या होगा दोस्तों कि 500 रुपए का फाइन देना होगा आपको अगर आप पकड़े जाते हैं तो, और अगर आप बच गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप प्रॉपर टिकट लेके जाएं। अब आते हैं दोस्तों अगली चीजों पे। दोस्तों होता क्या, कभी कभी लोग फ्रॉडली टिकट लेके ट्रैवल करते हैं, मतलब फ्रॉड टिकट लेके ट्रैवल करते हैं, तो उस दौरान अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको 1000 रुपए जुर्माना देना होगा और उसके बाद दोस्तों जेल देना, 6 महीने का जेल भी उनको होगा। तो ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है रेलवे की तरफ से। अब दोस्तों आते हैं अगले टॉपिक पर, नो हैविंग प्लेटफॉर्म टिकट। अगर दोस्तों आप पकड़े जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं होता है तो आपको 250 रुपए का फाइन देना होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम क्या करने के लिए करना है जबकि आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, पैसेंजर ट्रैवलिंग विदाउट ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड। दोस्तों सबसे बड़ा चीज, अगर आप कभी भी विदाउट ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आप दोस्तों रेलवे में अगर कभी भी आप जा रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी आईडी कार्ड जरूर रख लीजिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड रख लीजिए जो कि उस पर नाम हो आपका, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे में आप पकड़े जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पनिशमेंट देना पड़ सकता है। रेलवे आपसे 500-1000 ऐसे भी चार्ज ले सकती है, अगर वो कोई करप्ट टीटी होंगे तो वो ज्यादा पैसा लेंगे। तो ऐसे में प्रॉब्लम का सामना क्या करने करना। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अब दोस्तों आता है सीनियर सिटीजन ट्रैवलिंग विदाउट एज प्रूफ। हाँ दोस्तों अगर आप कभी भी सीनियर सिटीजन हो या फिर कोई भी आपके रिलेटिव में सीनियर सिटीजन हो वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पास विदाउट एज प्रूफ नहीं है, तो दोस्तों उनके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, उनको भी दोस्तों कई सारी फाइन देनी हो सकती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, तो आप जरूर से अपना जो है एज प्रूफ लेके जाएं ताकि अगर कोई भी टीटी पकड़े या कोई भी चीज आपको पूछा जाए तो आप दिखा सके। बेसिकली ये सबसे अच्छा फंडामेंटल है। अब दोस्तों आते हैं अगले टॉपिक पर। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है स्मोकिंग इन रेलवे कंपार्टमेंट। दोस्तों अगर आप कभी भी रेलवे कंपार्टमेंट में स्मोकिंग करते हुए पाए जाएंगे तो आपको देना होगा 200 रुपए तक का जुर्माना, और रेलवे जो है वो अपने तरीके से आपको कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। तो इसलिए दोस्तों ये सब चीजें रेलवे में ना करें, स्मोकिंग वगैरह ये तो वैसे भी सेहत के लिए हार्मफुल होता ही है, और रेलवे में तो और भी ना करें क्योंकि इससे दूसरों को प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं अगले टॉपिक पर, ट्रैवलिंग इन ड्रंकन कंडीशन कंज्यूमिंग अल्कोहल इन ट्रेन। अगर दोस्तों आप कभी भी ट्रेन में अल्कोहल, शराब वगैरह फिर कोई भी ड्रिंक करके आप जाते हैं या फिर पकड़े जाते हैं तो दोस्तों आपके लिए देना होगा 500 रुपए तक का जुर्माना, और इसमें भी रेलवे की पूरी अथॉरिटी होती है कि रेलवे जो चाहे वो कर सकती है आपके साथ, क्योंकि आप बहुत ही गलत कंडीशन में पाए गए, तो खासकर रेलवे में ये सब बिल्कुल भी ना करें। अब दोस्तों आते हैं अगले टॉपिक पर, अलार्म चेन पुलिंग विदाउट एनी वैलिड रीजन। अगर आप कभी भी अलार्म जो चेन होता है उसको खींच देते हैं विदाउट एनी रीजन से, तो आपको देने पड़ सकते हैं 1000 तक के जुर्माना, और दोस्तों आपको हो सकती है जेल भी इस दौरान। तो इसलिए इसमें सतर्क रहें, बिल्कुल भी ऐसा गलती ना। अभी जो टॉपिक है वो है बिल पेस्टिंग ऑन ट्रेन। मान लीजिए दोस्तों आप कभी भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रेन में आप जा रहे हैं और इसी तरह कोई भी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर दिए, अगर उस दौरान आप पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपको देना होगा 500 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने का जेल, क्योंकि दोस्तों ये इनका मतलब ये इनलीगल है दोस्तों, क्योंकि आप जो है कोई भी गलत चीजों को आप ट्रेन में नहीं पोस्ट कर सकते, पेस्ट कर सकते, ये बिल्कुल भी खिलाफ है रेलवे के। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं कुछ अगले टॉपिक पर, तो उसमें भी दोस्तों आपको काफी अच्छा अच्छा टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप दोस्तों ट्रैवलिंग इन लगेज वैन।
अगर आप दोस्तों कभी भी लैगेज वैन में पाए जाते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी लैगेज कंपार्टमेंट में, किसी लैगेज डिपार्टमेंट में, तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास एसी का जो चार्ज है वो देना होगा, प्लस दोस्तों पेनाल्टी जो है वो रेगुलर रूल के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। जो भी रेलवे का कोई रूल होगा या फिर जो भी अथॉरिटी होंगी वहां पे, वो अपने हिसाब से पेनाल्टी ले सकती है। इसलिए दोस्तों मेरी मानना है तो आप कभी भी लेडीज हैंडीक्राफ्ट और वैन डिपार्टमेंट या फिर लैगेज डिपार्टमेंट में कभी भी ट्रैवल ना करें, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अब दोस्तों एक टॉपिक मैं और कवर कर लेता हूं। अगर मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे पाए जाते हैं विदाउट एनी अथॉरिटी, मतलब कोई भी आप किसी से परमिशन नहीं लिया और प्लेटफॉर्म पे वैसे घूम रहे हैं या प्लेटफॉर्म में कुछ गलत चीजें कर रहे हैं, तो आपको 500 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक का जेल हो सकता है। इसलिए दोस्तों ऐसी गलती चीजें ना करें, क्योंकि दोस्तों रेलवे हम लोग को हमेशा एक सर्विस प्रोवाइड करता है, और अगर आप उसका गलत उपयोग करेंगे तो फिर आपको उसका गलत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों ये सब चीजों से बचें, एकदम इस सब पे बहुत ज्यादा ध्यान जो है इस पे बनाएं और अपनी चीजों को काफी मेंटेन करें। दोस्तों यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी को देना। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मेरी एक ओपिनियन है कि अगर आप कभी भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो सारे नियम कानूनों का फॉलो करिए, अच्छे से ट्रैवल करिए, इससे आपको भी दिक्कत नहीं होगा और रेलवे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। इसलिए दोस्तों मेरी मानना है तो आप जो भी गलत चीजें उसको ट्रेन में बिल्कुल भी मत करिए, और बिल्कुल भी अपने टिकट वगैरह जो भी उसको वैलिड लेके जाइए, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको ट्रेन से पेनाल्टीज तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलूंगा मैं आपको ट्रेन राइडर के नाम से। तो होता क्या कि वहां पे मैं बहुत अच्छी अच्छी पिक को पोस्ट करता रहता हूँ हमेशा, आपके लिए कई सारे रेल की इन्फॉर्मेशन भी डालता रहता हूँ, तो बिल्कुल आप वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका खुद का चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।